नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। झारखंड में चुनाव से पहले ही डूब गई है बीजेपी की नैया। लुईस मरांडी ने झारखंड में भाजपा का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। जिस हथियार से वार करने को बीजेपी तैयार बैठी थी, हेमंत सोरेन ने वही हथियार छीन लिया है। बीजेपी को ऐसा झटका लगा है कि मानो चुनाव से पहले ही बीजेपी झारखंड में हार गई हो। दरअसल झारखंड में बीजेपी के कई नेता जेएमएम में शामिल हो गए हैं। जेएमएम ने रातों रात ऑपरेशन हेमंत चलाकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में खींच लिया है। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में जेएमएम ने बीजेपी की बड़ी ब्रह्मास्त्र लुईस मरांडी को भी तोड़कर अपने पाले में कर लिया है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ बेरहट सीट पर करना चाहती थी। हुआ कुछ यूं कि लुईस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बेरहट से चुनाव लड़ने को कहा था। बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि लुईस मरांडी ने ही 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ जीत दर्ज की थी। बीजेपी सोच रही थी कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, मगर लुईस मरांडी ने पार्टी को छोड़कर पूरा का पूरा खेल बदल दिया। लुईस झारखंड में बड़ा नाम है, यानी कि बीजेपी में काफी नामी चेहरा है, लेकिन अब हेमंत सोरेन के साथ आ गई हैं। केवल लुईस मरांडी ही नहीं, कई और नेताओं ने भी झारखंड में बीजेपी की लुटिया डुबाने की पूरी तैयारी कर ली है। जेएमएम में शामिल होने वाले नेताओं में सरायकेला के बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार गणेश महली, बहरगोड़ा से पूर्व उम्मीदवार कुणाल शांडंगी, बॉस्को बसेरा बारी मुर्मू और लक्ष्मण टूडू के नाम शामिल हैं। अब ये सब हुआ कैसे, चलिए वो भी बता देते हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन हेमंत चला रही है। साथ ही जेएमएम इस चुनाव में हेमंत दोबारा के नारे के साथ मैदान में है। पार्टी पूरे चुनाव में मनोवैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है। इसे ऐसे समझिए कि कोल्हान में चंपई सोरेन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने गणेश मैली और बॉस्को बेरा को आगे किया है। कुणाल शांडंगी और बारी मुर्मू भी कोल्हान से ही है। बारी जमशेदपुर की जिला परिषद अध्यक्ष भी है। इसी तरह सीता सोरेन के जाने से संथाल में जो महिला नेता का अभाव था, उसे लुईस मरांडी के जरिए पूरा करने की कोशिश की गई है। वहीं हेमंत सोरेन ने अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जेएमएम के कई उम्मीदवार नामांकन भी करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने उन सभी को सिंबल दे दिया है जिन्हें वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जेएमएम सूत्रों के मुताबिक अब तक 41 नाम तय कर चुका है, जिसमें बेरहट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे से उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू का नाम शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी के ब्रह्मास्त्र को छीनकर झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक नई चाल चली है। अब इस चाल का फायदा हेमंत सोरेन को कैसे मिलेगा, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।